नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एसडीओ पूर्वी, डीएसपी टाउन सहित संबंधित थानों की पुलिस बल कई पटाखों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानें बंद मिली। आपको बता दें कि एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त और सतर्क नजर आ रही है। साथ ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई थानों की पुलिस बल को विभिन्न स्थलों पर रखा गया, ताकि लोगों को शहर में जाम से निजात मिल सके। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि हम लोग एनजीटी के गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर नगर निगम अंतर्गत पटाखों की बिक्री व उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित है। जांच के दौरान सभी पटाखों की दुकानें बंद पाई गई। साथ ही कहा कि बावजूद इसके स्थानीय थानेदार को कहा गया है कि यहां एक पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करे, ताकि 24 घंटे इस पर नजर रखी जा सके। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर दुकानदारों ने कहा कि अपने दुकान के आगे दूसरे दुकान को नहीं लगने दे, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। हम लोग एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार जो है, एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार जो मुजफ्फरपुर नगर निगम में कोई भी पटाखा का उत्पादन बिक्री सारा प्रतिबंधित है, उसी के चलते हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं। पटाखा दुकान का भी हम लोग जाँच किए हैं, अभी सभी पटाखा दुकान बंद पाया गया है, लेकिन फिर भी थानेदार को दी गई है कि एक अलग से पुलिस पदाधिकारी यहाँ प्रतिनियुक्त करने के लिए, जो 24 घंटा रोस्टर के अनुसार हम लोग रहेगा। और धनतेरस के चलते जो सड़क पे जो अधिकांश दुकान का पोर्शन जो बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग एकदम सरैयागंज टावर से लेके सूर्य कंपनी बाग, सरैयागंज टावर, अभी हम सब छाता बाजार चौक पर सब हम लोग रोड को साफ कराए हुए हैं, कि कोई भी जो धनतेरस के समय जो खरीदारी हो रही है तो रोड जाम की समस्या नहीं हो, अनावश्यक जाम की समस्या हो जाती है जिसके चलते सभी पब्लिक को परेशानी होती है। उसी के हटाई गई नगर निगम के तरफ ऑलरेडी हटाया जा रहा है सब जगह, एक सप्ताह से प्रोसेस उसका जारी है, लेकिन आज जो धनतेरस के तरफ जाम की समस्या होती है, उसी के चलते हम लोग पूरा QID टीम, सदर थाना और नगर थाना और DC साहब का सबका टीम हम लोग लगा हुआ है और लगातार इसको हटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सभी नागरिकों से भी यही हम लोग का अपील है और दुकानदार भाइयों से कि अपने दुकान के सामने दूसरे दुकान को नहीं लगने दें, और इसी के चलते ही जाम की समस्या हो जाए। जो भी सड़क का चौड़ाई एकदम पर्याप्त है, लेकिन अगर जो भी खरीदार हैं धनतेरस के मार्फत खरीदारी करनी है, तो निश्चित है कि दुकान के अंदर जाके वो खरीद लेगा। ये जरूरी नहीं है कि दुकान में हम रोड छेक लेंगे तभी कोई खरीदारी होगी। इसलिए सभी से अपील है कि प्रशासन को सहयोग करें और जाम की समस्या से भी आज हम लोग निश्चिंत रहें सभी नगरवासी। धन्यवाद। ये लगातार फटाखे मरने पुलिस की छापेमारी चल रही है, किस बात क्या है? देखिए, छापेमारी नहीं है, ये औचक निरीक्षण है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है, वो बहुत सारे पटाखे से बैन है, तो वहाँ जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित होता है तब वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होता है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि विदाउट ग्रीन पटाखा को नहीं छोड़ा जाए। तो प्रशासन का जो काम है वो अपना कर रही है, प्रशासन का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, अक्षर का सहयोग कर रहे हैं, सभी दुकानें बंद। 2 दिन बचा हुआ दीपावली का, लाइसेंस क्या नहीं मिल पाया आप लोग को? देखिए, लाइसेंस का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार होता है, उसका चालान जमा होता है, सब जगह से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है, वो सारा प्रोसीड्योर हम लोग कर चुके हैं, लेकिन माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ से निर्गत नहीं हो पाए। फटाखा बंद क्यों, दुकानें क्यों बंद? लाइसेंस तो दुकानें क्यों बंद है? लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है, एक अलग इशू है। ग्रीन पटाखा विदाउट ग्रीन पटाखा का मैटर है, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि भाई सिर्फ ग्रीन पटाखा ही बेचना है, ग्रीन पटाखा बेचा जा रहा था, फिर बाद में निर्देश आया सर्वोच्च न्यायालय का कि ग्रीन पटाखा भी नहीं बेचना है, तो उसके अनुसार हम लोग कोई भी पटाखा नहीं बेच रहे हैं, तमाम दुकान हमारी बंद है जो भी यहाँ पर दुकानदार। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति क्या होगी? प्रशासन का हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो कोर्ट का आदेश होगा उसको हम लोग लिए सर्वोपरि। क्या कुछ उम्मीद है दुकानें खुल पाएंगी? कुछ उम्मीद लग रहा है? रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिलाधीश महोदय के द्वारा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके माध्यम से भी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से। जिस तरह की तैयारी आप लोगों की, क्या कुछ क्षति होगी इसमें? देखिए, क्षति का आकलन करना तो समझ लीजिए कि 0 बटा 0 है, क्योंकि सब आदमी अपना अपना कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसमें बैंक का CC भी है, आर्थिक हजामंदी से भी लेन देन है। अटेंडेंस इस तरह का बात हो जाने से 100% क्षति। पूर्व से कोई सूचना आप लोग को नहीं थी? पूर्व से कोई सूचना नहीं था, आप लोग के माध्यम से 5 दिन पहले से मालूम हो रहा था कि मंडी बंद होगी, और उसके बाद आज मंडी बंद हो गई। कब तक ये बंद रहेगी? ये कब तक बंद रहेगी, वो तो जब आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो जो आदेश है बंद करने का, उसको हम लोग पालन किए। तत्काल क्या नीति चल रही है? तत्काल है कि हम लोग बंद करके वेट एंड वॉच की स्थिति में।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।